हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा। रूस में आईएसआईएस का आतंकी अरेस्ट। भारत के बड़े राजनेता पर थी हमले की प्लानिंग। रूस की सुरक्षा एजेंसी ने आईएसआईएस के एक ऐसे आत्मघाती हमलावर को गिरफ्तार किया है जो भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। ये आतंकी हाई प्रोफाइल आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने के लिए रूस से भारत आने वाला था, लेकिन रूस ने भारत से दोस्ती निभाते हुए हमले को पहले ही नाकाम कर दिया। रूसी रक्षा सिक्योरिटी एजेंसी FSB ने सोमवार को आतंकी को पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आतंकी भारत के एक सत्ताधारी वरिष्ठ नेता पर हमले की प्लानिंग कर रहा था। रूसी सिक्योरिटी एजेंसी ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक आतंकी की पहचान की। उसके बाद फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने उसे हिरासत में ले लिया। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने मध्य एशियाई देश के एक मूल निवासी के रूप में उसकी पहचान की है। बताया जा रहा है कि उसने भारत में सत्ताधारी दल यानी कि BJP के किसी बड़े नेता पर हमला करने की योजना बनाई थी। सिक्योरिटी सर्विस के द्वारा एक बयान में इसके बारे में बताया गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि गिरफ्तार किए गए आतंकी को ISIS ने तुर्की में आत्मघाती बम हमलावर के तौर पर नियुक्त किया था। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने इस आतंकी को पहचान कर इसे गिरफ्तार किया है। यह आतंकी सेंट्रल एशियाई क्षेत्र का मूल निवासी है। एजेंसी के मुताबिक आरोपी ने अप्रैल से जून तक तुर्की में आतंकी ट्रेनिंग ली थी। उसे IS के एक नेता ने आत्मघाती हमलावर के तौर पर भर्ती किया था। वहां उसे सुसाइड अटैक की ट्रेनिंग दी गई थी। इनकी पर्सनल मीटिंग इस्तांबुल में हुई और टेलीग्राम के जरिए बातचीत होती है। FSB ने आगे कहा कि इस आतंकी ने ISIS के आतंकवादी आमिर के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। रूस की सरकारी एजेंसी के मुताबिक आतंकी संगठन ने उसे जरूरी कागजातों के साथ रूस भेजा और उसके बाद यहां से भारत भेजने की व्यवस्था भी की गई थी, जहां उसे सत्ताधारी दल के किसी बड़े नेता पर हमला करने का काम दिया गया था। हालांकि आतंकी ने किस भारतीय नेता को उड़ाने की साजिश रची थी, इसे लेकर फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो सका है। आपको बता दें, आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और इसकी सभी सदस्यों को आतंकवादी संगठन के रूप में अधिसूचित किया गया और केंद्र सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की पहली अनुसूची में शामिल किया गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक IS अपनी विचारधारा को प्रचारित करने के लिए विभिन्न इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। इस संबंध में संबंधित एजेंसियों के द्वारा साइबर स्पेस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें 1 इंडिया हिंदी के साथ।